हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था टेन एक्स माइनस ए, टेन एक्स प्लस ए, टेन टू एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस x। क्या हम tan 3x को ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2x प्लस x क्या हो जाएगा? 3x। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, बस tan a प्लस b का फार्मूला लगा देना है। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक। अब इस वाले टर्म का tan 3x में हो जाएगा गुणा, तो कर देते हैं, क्या हो जाएगा tan 3x, भाई tan 3x का 1 में गुणा हुआ तो tan 3x, माइनस tan 3x का इस वाले टर्म में होगा तो हो जाएगा tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। ठीक। इक्वल टू ये वाला टर्म बच जाएगा तो इधर लिख देते हैं tan 2x प्लस tan x। ठीक है। अब इस tan 3x को उधर भेज देंगे, तो चाहे आप tan 3x को उधर भेजें, चाहे इन दोनों को इधर ले आएँ और इसको उधर भेज दें, तो इस वाले को उधर भेज देते हैं और इन दोनों को इधर ले आते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा tan 3x, पहले से था ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा tan 2x, और ये भी माइनस हो जाएगा tan x। ये इधर निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हो गया tan x tan 2x tan 3x। ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो और इसे ध्यान से देखो, दोनों सेम है, तो हम इतने की प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इतने की प्लेस पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो कर देते हैं, क्या हो जाएगा? I इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x और dx। ठीक। इतने की जगह पर हमने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। अब dx को सबके साथ लगा देते हैं तो ये हो जाएगा tan 3x dx माइनस tan 2x dx माइनस tan x dx। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, या फिर माइनस log mod cos x। ठीक है। अगर आप sec में आंसर चाहते हैं तो ये वाला वैल्यू रखेंगे, अगर आप cos में आंसर चाहते हैं तो ये वाला वैल्यू रखेंगे। ठीक है। तो sec में ही आंसर निकाल लेते हैं। तो tan 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec 3x, और यहाँ पर x के साथ 3 है तो 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। माइनस tan 2x का क्या होगा? log mod sec 2x, यहाँ पर x के साथ 2 है तो 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस tan x का क्या होगा? log mod sec x प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो द स्टडी जोन पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।